देखिए, ऐसा है, शायद अमित शाह जी को जानकारी नहीं है, इस समय पूरे हिंदुस्तान में 40 साल के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दौर है हिंदुस्तान, सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार। दूसरी बात, जो भुखमरी वाले देश हैं उसमें हिंदुस्तान हंगर जो जो जारी हुआ है, पूरे दुनिया का जो हंगर, उसका जो पूरा डाटा, उसमें हिंदुस्तान नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे है भुखमरी में। ऐसा देश बनाना चाहते हैं मोदी जी को लाकर, आए हैं दो बार मोदी जी, अपने 2000 के नोट को खुद बंद करना पड़ा उनको 6 साल के अंदर, इससे बड़ा जूता क्या लगेगा। अगर मोदी आ गए तो हिंदुस्तान आज जो आज थोड़ी बहुत स्थिति चल भी रही है व्यापारी और सारे लोग, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश तस्तस। महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि अब भाजपा भगवान राम से चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये तो निश्चित तौर से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पूरी तरीके से भगवान, ये राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान हमारे आस्था के केंद्र, और आज एक नई परंपरा इन लोगों ने डाली कि मंदिर के शिलान्यास में भी निमंत्रण भेजा जाता है। हम मैं तो नहीं समझता भगवान के दर्शन करने के लिए या भगवान के स्थान पे जाने के लिए कोई निमंत्रण भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि जब भगवान चाहते हैं तो बुलाकर दर्शन दे सकते हैं, तो ये भगवान बुलाएंगे दर्शन देंगे। और संजय राउत जी ने ठीक कहा है कि ये पूरी तरीके से भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति पूरी तरीके से भगवान राम को उसमें आगे लाकर पूरी अपनी चीजों को करना चाहते हैं। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र में, हम सबके भगवान, हम सबके पूरे सर्व समाज भगवान उनको अपना आस्था के केंद्र मानता है। देखिए, ऐसा है, शायद अमित शाह जी को जानकारी नहीं है, इस समय पूरे हिंदुस्तान में 40 साल के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दौर है हिंदुस्तान, सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार। दूसरी बात, जो भुखमरी वाले देश हैं उसमें हिंदुस्तान हंगर जो जो जारी हुआ है, पूरे दुनिया का जो हंगर, उसका जो पूरा डाटा, उसमें हिंदुस्तान नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे है भुखमरी में। ऐसा देश बनाना चाहते हैं मोदी जी को लाकर, आए हैं दो बार मोदी जी, अपने 2000 के नोट को खुद बंद करना पड़ा उनको 6 साल के अंदर, इससे बड़ा जूता क्या लगेगा। अगर मोदी आ गए तो हिंदुस्तान आज जो आज थोड़ी बहुत स्थिति चल भी रही है व्यापारी और सारे लोग, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश तस्तस। महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि अब भाजपा भगवान राम से चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये तो निश्चित तौर से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पूरी तरीके से भगवान, ये राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान हमारे आस्था के केंद्र, और आज एक नई परंपरा इन लोगों ने डाली कि मंदिर के शिलान्यास में भी निमंत्रण भेजा जाता है। हम मैं तो नहीं समझता भगवान के दर्शन करने के लिए या भगवान के स्थान पे जाने के लिए कोई निमंत्रण भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि जब भगवान चाहते हैं तो बुलाकर दर्शन दे सकते हैं, तो ये भगवान बुलाएंगे दर्शन देंगे। और संजय राउत जी ने ठीक कहा है कि ये पूरी तरीके से भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति पूरी तरीके से भगवान राम को उसमें आगे लाकर पूरी अपनी चीजों को करना चाहते हैं। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र में, हम सबके भगवान, हम सबके पूरे सर्व समाज भगवान उनको अपना आस्था के केंद्र मानता है।